हेलो एवरीवन, आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किसी के भी कॉन्टैक्ट नंबर से आप उसकी इंस्टाग्राम आईडी कैसे पता कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी भी पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास और आप चाहते हैं उसकी इंस्टाग्राम आईडी क्या है तो वो आप कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, तो यहाँ मेरे पास इंस्टाग्राम अकाउंट है तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर। तो मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ, इस तरीके से प्रेस करता हूँ, देन इसके बाद यहाँ देखने को मिलेगा ऐप इन्फो। तो मैं ऐप इन्फो पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा परमिशन, तो आपको परमिशन पे क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कॉन्टैक्ट्स, तो आप कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना। अगर आपका ये डोंट अलाउ हो रहा है तो आपको इसको अलाउ कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ओपन कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको प्रोफाइल में आना और देन यहाँ आपको देखने को मिलेगी थ्री डॉट की लाइन, देखने को थ्री डॉट की लाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट में अकाउंट्स सेंटर, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं 102 बार स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आपको देखने को मिलेगा योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशंस, तो आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको एक लास्ट में ऑप्शन शो होगा अपलोड कॉन्टैक्ट्स, तो आपके इसके एरो के निशान पे क्लिक करना है। एरो पे मैं एरो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका ये बटन जो है ये डिसेबल हो रहा है, ये कनेक्ट कॉन्टैक्ट्स, तो आपको क्या करना होगा, आपको इसको इनेबल कर लेना है। तो यहाँ मैं इसको इनेबल कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये इनेबल हो चुका है। देन थर्ड सेटिंग क्या है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट नंबर से आप उसकी आईडी कैसे पता करेंगे। तीसरा ऑप्शन क्या है, आपको क्या करना होगा, आपको बैक होना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ आपको बैक हो जाना है, अपनी प्रोफाइल में आना है और यहाँ फॉलोविंग में आना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आया था आप फॉलोवर में जा सकते हैं या फॉलोविंग में, आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फॉलोविंग में आएँ। देन उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको सबसे लास्ट में आना है इस तरीके से। सबसे लास्ट में आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं सी ऑल सजेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ आपको देखने को मिलेगा डिस्कवर पीपल। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आपको जो यूजर आई डी है यहाँ आपको इस तरीके से यहाँ फाइंड हो जाएंगी और आपके जो भी मोबाइल नंबर में कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ आपने सेव कर रखे हैं तो आप यहाँ से ये सजेस्ट करके आपको यहाँ उनकी यूजर आईडी आपको शो हो जाएगी। तो आप इस तरीके से इन सभी स्टेप को फॉलो करके आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर से पता कर सकते हैं कि उस कॉन्टैक्ट नंबर की यूजर आईडी क्या है। तो दोस्तों इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब।